एमसीडी कर्मचारी का भाई हूँ मैं भी। इन भाइयों के साथ बेचारों को, कच्चों को 21-21, 25-25 साल हो चुकी है, हमारी कोई बीमारियों का कोई इलाज नहीं, हम गंदगी नहीं उठाते। क्या एक डेंगू हो जाए तो बड़ा बड़ा आदमी अस्पताल में पहुंच जाता है क्या? हम डेंगू के हम कूड़ा नहीं उठाते क्या रोड पर? हम बीमारियों में जूते नहीं, कुत्ते मरे हुए सड़े कुत्ते हम ठाते हैं, हमारी हमें वेतन नहीं दिया जाता, हमारे दो दो महीने हमारे को वेतन को जाते, हमारे बच्चे स्कूल में नहीं जा पाते, बच्चे क्या पापा हम कब पक्के होंगे, तुम हैं बुढ़े होकर मरने लग रहे बेचारे हैं, उनकी कोई सुनाई नहीं है। सरकार बनाने में सबसे बड़ा हाथ होता है सफाई कर्मचारियों का। हम सरकार बनाते तो हमारी क्यों नहीं सुनती सरकार? हमने क्या गुनाह कर रखा है जो हमारे उस गुनाह का हमारे पे क्या पर्दा गिरा रहे जो हमें बिल्कुल नीचे गिराना चाहते हैं? ये देश से निकालना चाहते तो कहते भाई वाल्मीकि समाज तुम यहाँ से चले जाओ। क्या हम देश के हम राजाओं को राजा नहीं बनाते? क्या राजा को तो हक है कि हम इस देश में हमारी सुननी चाहिए, हम गरीबों की सुननी चाहिए। वैसे तो कहते हैं हम दलितों की बहुत सुननी, क्या सुन रहे हमारे दलितों की? आज हम सड़क पर उतर रहे भूखे उतर रहे हैं, हमारा कोई वेतन नहीं दिया जा रहा, हम सिर्फ सड़क पर भूखे उतर रहे हैं। हम क्यों उतर रहे हैं? हमने क्यों बात उठाई अपनी? जब हम चार चार भाई स्ट्राइक कर चुके हैं, जब भी उन्होंने हमें आश्वासन दिया भाई तुम्हारा पैसा आ चुकेगा 6 महीने बाद 4 महीने बाद दे देंगे, हमारे कर्मचारी भाई फिर हड़ताल से खत्म करके फिर हड़ताल पे काम करने लगे, सफाई का काम अच्छा करे। अब हम पांचवी बार फिर हड़ताल कर रहे हैं, पांचवी छठी बार। क्या कब तक हम हड़ताल करेंगे? क्या हमारी ये सरकार सुन नहीं रही है? क्या ये सरकार के पास कंगाल होगी? इतनी निकम्मी सरकार होगी ये? क्या हम उन्हें वोट नहीं देते? हम उसे राजा बना हुआ, हमें भी भिखारी बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं हमारी गल? क्यों ऐसा शोषण हो रहा है हमारी गल? जो 20-20 साल से हमारे भाई कर्मचारी पक्के नहीं हुए, हमारा एरियल नहीं मिला, 925 करोड़ रुपया हमारा बन रहा है, जिनको 15 साल हो गए नहीं मिला है, मजदूरों की सैलरी भी नहीं मिलती है, उस समस्याओं को लेकर हम यहाँ पर आए हैं। मनोज तिवारी जी की सरकार, बीजेपी सरकार जब से आई है, जब से और भी बुला हाल हो गया, ना ही केजरीवाल हमारे को समय पे हमारा पैसा दे रहा है, नहीं सुविधा सुविधा नहीं दी जा रही है, समय पे पैसा नहीं दी जा रहा है, हमारे बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं लिख रहे हैं, हमारे साथ ये जातिवाद हो रहा है, इतने हमारा पैसा नहीं मिलेगा, इतने हम काम नहीं करेंगे, पैसे दे दो काम करेंगे, नो पैसे नो काम, नो पैसे नो काम, हमारा पैसा दो हम काम करेंगे। हमारे भाइयों को पक्का कराओ, 22 साल हो गए, जो 20 साल का ड्यूटी पे लगा था, आज 22 साल 42 साल हो गए, बूढ़ा हो गया, क्या वो अपने बच्चों को पढ़ाएगा लिखाएगा, क्या करेगा? हमारे साथ जातिवाद हो रहा है, जब तक हमारा पैसा नहीं मिलेगा हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, हम काम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, जिंदाबाद। कह रही है जब से हमारे शोषण हो रहा है, हमारे कर्मचारियों को मशीनें दे दी गई है, कई कई घंटे उनका खराब हो जाती है, कई कई दिन खराब नहीं होती, उनकी एब्सेंट होती है, उनके पीछे सीबीआई जांच लगाती है, जो निगम पार्षद 5 करोड़ रुपया लेकर अपने घर में बैठ जाता है, एक नाली पे ईंट लगाता है, सारा पैसा वो खा जाता है, सारा निगम का पैसा बीजेपी के जो निगम पार्षद है ये लोग खा रहे हैं, कर्मचारियों तक पैसा नहीं आने दे रहे, कर्मचारी भूखा मर रहा है, हम इतना गंदा काम कर रहे हैं, हमारे भाई इतना गंदा काम कर रहे हैं, कीड़े मकोड़े को गंदगी को हाथों से उठाकर फेंक रहे हैं, 100 बीमारी हमारे लग जाती है, समय से पहले हमारे कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, हमारे कोई सरकार कुछ नहीं दे रही। ये सरकारों को, केजरीवाल सरकार बीजेपी सरकार को हम ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे कर्मचारियों की तरफ ध्यान दें, हमारे कर्मचारियों का हक दें, जब हम काम करेंगे, नहीं तो हम काम नहीं करेंगे, चाहे हम मर जाए मिट जाए।